रूमी का एक बड़ा अच्छा सा वक्तव्य है, आई एम अ स्पार्क फ्रॉम द इन्फिनिट. मैं अनंत का एक स्फुलिंग हूँ, स्पार्क हूँ, एक चिंगारी हूँ. ये जो अस्तित्व है यही इन्फिनिट. रूमी देखिए, मैंने हमेशा कहा बड़े प्यारे पोएट हैं, मिस्टिक हैं, संत हैं. व्यक्ति अगर ये देख पाता है कि वो जो इन्फिनिट का स्पार्क है, यानी कि उसका ही हिस्सा है, अस्तित्व का ही एक हिस्सा है, जो ये अनंत विस्तार है, तो उसका जीवन एक अलग ढंग से चलता है. क्योंकि उसमें एक चीज़ ये आई कि आप अलग थलग तो नहीं है ना, आप उस इन्फिनिट के ही हिस्से हैं. तो अगर हम इस अस्तित्व को एक ऐसी व्यवस्था की तरह देखते हैं कि जो अनंत है और अनंतता की तरह उसका अपना एक ढंग है, और हमारा होना उसके एक स्पार्क की तरह, उसके स्फुलिंग, उसके एक चिंगारी की तरह, तो हम उससे ही निकलें. यानी कि वो जो अस्तित्व में एक जलती हुई आग है, ये अनंतता की जो आग है, उससे एक स्पार्क निकला, एक चिंगारी निकली. तो हर किसी का होना वैसा ही है, उस अनंतता के एक स्फुलिंग की तरह, एक स्पार्क की तरह. ये बात आश्वासन देती है, हौसला देती है व्यक्ति को, और कम से कम उसको अलग थलग होने से रोकती है. अगर एक बार इसको देख लिया तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, और जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं रहती है. क्योंकि जो स्पार्क उठा है, जो चिंगारी उठी है उस अनंतता से, उसको वो अनंतता ही तो संभालती है, वो अनंतता ही उसको संभालेगी. वो इन्फिनिट फ्लो जो है, वो जो अनंत प्रवाह है, उसी वही उसका ध्यान रखेगा. तो इसलिए अब हम किस बात को लेकर चिंतित हों, उसकी कोई ज़रूरत नहीं. तो रूमी के इस वक्तव्य पर हम जो बात कर रहे हैं उसको हमेशा ध्यान में रखें, और अपने को उस अस्तित्व की अनंतता का हिस्सा समझें. और जब ऐसा समझेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आप खुश रहेंगे, एक जोड़ में रहेंगे. और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही योग है, अस्तित्व के एक हिस्से की तरह जीना, स्रोत से आगे गए एक प्रवाह की तरह जीना, इन्फिनिट के स्पार्क की तरह जीना. और जब तुम उस इन्फिनिट के स्पार्क की तरह जीते हो, तभी तुम सही अर्थों में भक्त भी होते हो, तभी सही अर्थों में तुम योगी भी होते हो, तभी सही अर्थों में तुम ध्यानी भी होते हो. तो इस बात को अगर स्मरण रखेंगे तो ये तुमको बहुत प्रेरणा देने वाली, तुमको बहुत शक्ति देने वाली बात होगी, और जीवन सहजता में हमेशा बहता चला जाएगा. Thank you.